देखो बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी के संपूर्ण एयरपोर्ट। जितने बाबू एयरपोर्ट हैं, सारे एयरपोर्ट को एक ही क्लास में खत्म कर देंगे मात्र 15 मिनट में। देखो बाबू, तुम्हारे यहाँ एयरपोर्ट तो बाबू छोटे मोटे बहुत होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो मात्र तुम्हारा क्या है बाबू, 5 इंटरनेशनल है। और किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हारे उत्तर प्रदेश में ही है। कितने हैं बाबू? 5। तुम्हारे पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 5 है रे, कौन गूगल पर सर्च मार लेता है। देखो बाबू, देखो ए, पहले बाबू है यहाँ पे सहारनपुर। क्या है बाबू? सहारनपुर। सहारनपुर बाबू क्या है? सरसावा एयरपोर्ट। क्या है बाबू? सरसावा। सरसावा बाबू का है? सरसावा एयरपोर्ट तुम्हारा है सहारनपुर में। ठीक है बाबू, सरसावा सहारनपुर, सरसावा सहारनपुर, यही बाबू सहारनपुर है। सरसावा सहारनपुर, देखो बनना है पुलिस तो डिसिप्लिन भी सीख लो, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगा बाबू। एक एक टॉपिक बाबू पढ़ा दे, हम बिहार के आदमी होके यूपी का चीज पढ़ा रहे हैं तुमको, थोड़ा भी तो शर्म कर लो। देखो बाबू, तो सरसावा बाबू कहाँ है? सहारनपुर। सरसावा, सरसावा, सहारनपुर। इसके बाद आओगे तो मिलेगा मेरठ। क्या मिलेगा बाबू? मेरठ। मेरठ का बाबू बोला नान खटाई फेमस था। यहाँ पे एयरपोर्ट पर रहे हैं तो मेरठ बाबू क्या है? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर बाबू कहाँ है? मेरठ। मेरठ। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर मेरठ। भीमराव अंबेडकर बाबू कहाँ है? मेरठ। बोलेगा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? मेरठ। भीमराव एयरपोर्ट, भीमराव एयरपोर्ट, भीमराव, भीमराव बाबू, अरे भीमराव मेरठ। देखो बाबू, देखो गाजियाबाद तुम्हारा बाबू, इस साइड को पहले खत्म करते हैं। गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में तुम्हारा बाबू क्या है? गाजियाबाद में बाबू तुम्हारा हिंडन एयरपोर्ट। बाबू इंडियन सेना का एयरबेस भी है, भारतीय सेना का बाबू क्या है? एयरबेस है यहाँ पे। गाजियाबाद में बाबू क्या है? हिंडन। गाजियाबाद में, गाजियाबाद, हिंडन, गाजियाबाद, हिंडन, गाजियाबाद, हिंडन, गाजियाबाद, हिंडन, गाजियाबाद, हिंडन। तो बाबू फिर थोड़ा गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में बाबू देखो अभी हाल ही में यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है। तो बाबू नोएडा ग्रीन इन फील्ड एयरपोर्ट कहेगा तो हम बोलेंगे तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर। लेकिन इसका नाम हुआ जो ओरिजिनल नाम है, नाम है इसका जेवर। क्या नाम है बाबू? जेवर, जेवर नहीं, जेवर। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट, जेवर बोलेगा या नोएडा, नोएडा ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बोलेगा बाबू। जेवर हो चाहे नोएडा हो, थोड़ा बाबू कहाँ पड़ता है ये? गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है बाबू, जेवर गौतम बुद्ध नगर। अब देखो बाबू, इसके बाद तुम्हारा है देखो सरसावा सहारनपुर, भीमराव अंबेडकर मेरठ, गाजियाबाद हिंडन, जेवर गौतम बुद्ध नगर। इसका नाम बाबू क्या है? नोएडा, इसका नाम है बाबू। अब देखो आगरा, एक तुम्हारा बाबू क्या है? आगरा। तो आगरा में जो बाबू तुम्हारा है ना, तो बाबू खेड़िया। क्या है? खेड़िया, खेड़िया। और इसका नाम खेड़िया नहीं रे, खेड़िया, खेड़िया, खेड़िया एयरपोर्ट आगरा में है। या बाबू तुम्हारा ये भी कह सकता है, इसका नाम हुआ नया चेंज हो गया है, तो खेड़िया एयरपोर्ट का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। खेड़िया बोलो या पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट बोलो। कहा बाबू तुम्हारा? दीनदयाल आगरा में है। कहा बाबू? पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट आगरा। खेड़िया या पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट खेड़िया, सॉरी आगरा। कहा बाबू तुम्हारा? आगरा। कहा बाबू? आगरा। कहा तुम्हारा बाबू? आगरा। देखो झांसी तुम्हारा नीचे, झांसी का नीचे बाबू क्या है तुम्हारा? झांसी। झांसी बाबू है ना, झांसी का नाम झांसी है, समझे कि नहीं? लेकिन बाबू ये इंडियन एयरपोर्ट के लिए बाबू झांसी है, ठीक है ना? झांसी एयरपोर्ट बाबू कहाँ है? झांसी में। नाम से आएगा
जो बाबू नाम से आगे तुमको ऐसे ही ठोक देना है, नाम वाला वो नामे में समझे कि नहीं, कानपुर कानपुर, झांसी झांसी, बरेली बरेली, सीधा बाबू तुमको ऐसे आगे बढ़ना है ना। ठीक है बाबू, आप देखो तो बाबू बरेली में बोलो, अभी बोले बरेली 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 झांसी 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 है, पर बाबू कहा है झांसी। हो सकता है भविष्य नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई एयरपोर्ट, लक्ष्मीबाई कहा कि झांसी करते झांसी मारते, भविष्य में वैसा नाम पड़ जाए तब पढ़ भी सकता है बाबू, वीरों की भूमि। देखो बाबू कानपुर बाबू क्या है जानते हो, तुम्हारे कानपुर में आईआईटी कानपुर है, जानते हो बाबू कानपुर में क्या बाबू आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर के नाम से बाबू क्या है तुम्हारा यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम है, आईआईटी कानपुर में बाबू क्या है तुम्हारा आईआईटी कानपुर के नाम से बाबू क्या यहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है नहीं, तुम्हारा बाबू कानपुर में हो गया तुम्हारा कानपुर। ठीक है बाबू, आप देखो बाबू इसके बाद देखो इधर नहीं है बाबू, इधर पूरा पढ़ लिए, अब इधर आएंगे तो बाबू कुछ कुछ मिलेंगे तुमको, अयोध्या क्या मिला बाबू, अयोध्या अयोध्या मिला क्या तुम्हारा बाबू अयोध्या, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम नया नाम जो बाबू होने वाला है, इसका नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये एयरपोर्ट का नाम बाबू होने वाला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो अभी नाम क्या है वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किसका नाम है बाबू, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है तुम्हारा अयोध्या में, कहाँ है बाबू अयोध्या में, कहाँ है तुम्हारा अयोध्या में, देखिए नाम चेंज होकर क्या बनने वाला है बाबू, महर्षि देखो महर्षि वाल्मीकि तभी नाम है, अब नया नाम बाबू क्या होगा इसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है ना बाबू, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा बाबू कहाँ जाओगे अयोध्या, देखो राय बरेली, राय बरेली है तुम्हारा, राय बरेली बताओ राय बरेली किसके लिए फेमस है तुम्हारा, नहीं हाँ रेलवे पोस्ट बाबू यहाँ पे है, इंदिरा गांधी या बाबू गांधी परिवार का चुनाव क्षेत्र है ये, इसलिए बाबू राय बरेली में जो एयरपोर्ट है ना इस एयरपोर्ट का, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा दिल्ली में है समझे कि नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी से पूछेगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बाबू कहाँ है तुम्हारा राय बरेली, राय बरेली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बाबू कहाँ है राय बरेली हवाई अड्डा। ठीक है बाबू, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बाबू कहाँ है राय बरेली, राय बरेली, राय बरेली बाबू क्या है इंदिरा गांधी। ठीक है बाबू, राय बरेली के बगल पड़ेगा अमेठी, क्या पड़ेगा तुम्हारा बाबू अमेठी, क्या पड़ेगा अमेठी, तो अमेठी बाबू जो एयरपोर्ट है इसका नाम है फुर्सतगंज, फुर्सतगंज फुर्सतगंज बाबू कहाँ है तुम्हारा अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, अयोध्या के पास पड़ता है, हाँ सुल्तानपुर के आगे वो अमेठी है, अरे फुर्सतगंज कहाँ पड़ता है नहीं पड़ता है मत पूछो, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज अमेठी, फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी। अब देखो बाबू इसके बाद देखो इधर तुम्हारा खत्म हो गया, अब तीन को मात्र पूछा है गोरखपुर, क्या है बाबू गोरखपुर, तो गोरखपुर के बाद नवे है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, महायोगी महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ बाबू होगा गोरखपुर, गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है आप देखो बाबू इसके बाद तुम्हारा क्या है प्रयागराज, क्या है तुम्हारा बाबू प्रयागराज, तो प्रयागराज बाबू क्या है बमरौली, क्या बाबू तुम्हारा बमरौली, बमरौली क्या तुम्हारा बाबू बमरौली, बमरौली बाबा कहा है तुम्हारा प्रयागराज, बमरौली 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 बमरौली, तो बाबू एक बमरौली तुम्हारा है, अभी अभी हमको दिमाग में आया है क्योंकि तुम्हारा बाबू अयोध्या है ना अयोध्या, अयोध्या में बाबू एक और एयरपोर्ट है नाम अमौसी, क्या नाम है बाबू अमौसी हवाई अड्डा, तो अमौसी हवाई अड्डा पूछेगा तो कहाँ जाओगे लखनऊ, लखनऊ बाबू छुट गया क्या, लखनऊ को बाबू कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, लखनऊ को बाबू क्या बोलते हैं हम लोग अमौसी भी बोलते हैं या चौधरी चरण सिंह भी बोलते हैं, तो लखनऊ तुम्हारा यहाँ पे है, लखनऊ का बाबू क्या है तुम्हारा लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह
किसानों का नेता बाबू किसे कर रहे हैं? हाँ, चौधरी चरण सिंह। लखनऊ बाबू क्या है? चौधरी चरण सिंह। क्या बाबू अमौसी बोलते हैं उसको? अमौसी, अमौसी, अमौसी। क्या नाम है उसका बाबू? अमौसी। आप देखो मेरे बाबू, बाबू आप बच गया थोड़ा। वो वाराणसी। क्या बच गया? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, ट्रस्टी बाबू लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री। ये बाबू देखो क्या है ना, ये बाबू लाल बहादुर शास्त्री, ये थोड़ा बाबू पढ़ता है वाराणसी में, वाराणसी में बाबू पढ़ता है। ये बाबू थोड़ा जो जगह है वाराणसी का, जो जिला है, तो यहाँ जो जगह पड़ता है बाबतपुर, बाबतपुर में पड़ता है, बाबतपुर में बाबू पड़ता है। तो थोड़ा बाबू इतना ही था, सब थोड़ा खत्म हो गया। आप याद कर लेते एक बार, बोले तो आई आई टी कानपुर है, आई आई टी कानपुर। आजमगढ़ बाबू पढ़ा है ना, डोमेस्टिक है, आजमगढ़ एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक बाबू नहीं पढ़ना है। बोले तो नाम वाला नाम में मार देना, दिए तो सब गाजीपुर, गाजीपुर बलिया, बलिया बास्टी, बास्टी। अरे बोलेगा तो बोल देना सरसावा, 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 भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, हिंडन, 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 जेवर, 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 झांसी, झांसी, खेड़िया, 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 खेड़िया। अब खेड़िया का नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल। बरेली, बरेली, बरेली। तो बाबू आई आई टी कानपुर, आई आई टी कानपुर, नीचे बाबू नहीं है इसका, चलते यहाँ पे बीच में, रायबरेली, 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 फुर्सत, फुर्सतगंज, 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 अमेठी, अयोध्या। बाबू महर्षि वाल्मीकि, नया नाम क्या होगा इसका? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अमेठी, बताओ चौधरी चरण सिंह, अमौसी, चौधरी चरण सिंह, अमौसी, बमरौली, 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 महायोगी गोरखनाथ, महायोगी गोरखनाथ, महायोगी गोरखनाथ, लाल बहादुर शास्त्री। अरे अमूल तो अमर रहे, अमर नहीं करना है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, बनारस। 26 जनवरी खत्म हो गया यार। देखो ये पार्ट बैक कर लो बाबू, अब ध्यान से बोलो, सरसावा, अम्बेडकर। ऐसा पढ़ना क्या मतलब है, जो यहाँ भी पढ़े घर पे भी पढ़े, जो क्लास में तुमको याद करवा दिया, आ घर पे जाकर तुमको क्या करना है, एक बार एक बार देख लेना है, बस एक बार देखो तो तुम्हारा याद हो जाए। तो सरसावा, मेरठ। अब हम बाबू शहर बोलेंगे, तुमको जगह बोलना है, एयरपोर्ट का नाम बोलना है, मेरठ, एयरपोर्ट गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, आगरा में, आगरा में, पंडित दीनदयाल, बरेली में, बरेली है, झांसी में, झांसी है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, राय बरेली में, राय बरेली में, अमेठी में,
फुर्सतगंज, अमेठी बाबू फुर्सतगंज, अयोध्या में, अयोध्या में, गोरखपुर में, गोरखपुर में, बबरौली, यहाँ बाबू क्या है, बनारसी में, बनारसी में, दस मिनट पूरा यात्रा बाजी करके बाजी, तुम लोग परेशान रहता है सर, है छुट्टी तो धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा याद हो गया ना।